नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल डुग्गू सकरी में। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आईटेल मोबाइल में अगर रिंगटोन सेट नहीं हो रहा है तो उसे हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। कई लोगों को कमेंट आया है दोस्तों कि हमारे आईटेल फ़ोन पर हम अपना पसंद का रिंगटोन कैसे सेट करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे अपने पसंद का रिंगटोन सेट कर सकते हैं। आपके फाइल में गाना हो या अलग से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, वो भी सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल करके बताऊँगा मैं कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए पहले तो मैं एक रिंगटोन डाउनलोड करता हूँ दोस्तों। चलिए मैं रिंगटोन डाउनलोड करता हूँ। तो अभी का फेमस गाना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, ये वाला रिंगटोन मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको और उसी को अपना रिंगटोन बना के दिखाता हूँ दोस्तों। तो इसके लिए हमें दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों, उस पर गूगल ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद सर्च बार पर हमें लिखना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। मैं लिख के बता देता हूँ दोस्तों, कई लोगों को फिर आता नहीं कैसे लिखना है कह के, तो पूरा लिख के बता देता हूँ। आप बने रहिए वीडियो पर, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए THODA PYAR हुआ। उसके बाद रिंगटोन डाउनलोड थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ रिंगटोन डाउनलोड। आप जो भी गाना लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके बोल लिखना है आप लोगों को और रिंगटोन डाउनलोड लिखना है दोस्तों। तो चलिए मैं लिख दिया हूँ दोस्तों, आप सर्च कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये देखो दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद ये देखो दोस्तों, आ चुका है गाना। मैं बजा के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो दोस्तों, वही गाना है। तो इसको मैं डाउनलोड करूँगा तो हमें नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ डाउनलोड MP3 और एंड्रॉयड ये लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये, इस पर हमें क्लिक करना है दोस्तों। तो ये दोस्तों डाउनलोड हो रहा है, नीचे में आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, एक सेकंड भी नहीं लगता और डाउनलोड हो गए। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। चलिए ये देखो दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये फाइल में है कि नहीं हम देख लेते हैं जाके। तो ये ऊपर से भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखो दोस्तों डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये। तो चलिए फाइल में देखते हैं, फाइल ओपन करते हैं फ्रेंड। उसके बाद ऑडियो, ये रहा ऑडियो, ये आ चुका है दोस्तों। मैं दिखा देता हूँ दोबारा, ये रहा। इसको हम अब डाउनलोड अपना रिंगटोन बना के दिखाएंगे दोस्तों। वो कैसे बनाना है दोस्तों, चलिए हमें सबसे पहले जाना है दोस्तों सेटिंग में, मोबाइल की सेटिंग में जाना है। यहाँ ढूंढ लेना है दोस्तों हमें ऑडियो प्रोफाइल। तो ये रहा दोस्तों ऑडियो प्रोफाइल, इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद जनरल कर लेना है दोस्तों, आप लोगों को यूज जनरल में रहना चाहिए। उसके बाद जनरल में टिप करके रखना है, छोड़ देना है। उसके बाद एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब जो भी सिम में यहाँ लगाना चाहते हैं, 1 है 2 है, तो मेरा तो 2 में लगाना है। अभी कौन सा लगा है मैं दिखा देता हूँ, मैं अपने वाले में गुरु रांधवा का लगा है शायद दोस्तों, ये वाला लगा है दोस्तों। तो चलिए इसमें मैं दूसरा सेट करके दिखाता हूँ। तो सेकेंड सिम में लगा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर ऐड रिंगटोन नीचे में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। मैं जैसे भी कर रहा हूँ दोस्तों वैसे ही करना है आपको। तो ये रहा वो दोस्तों, पूरा अपना गैलरी खुल चुका है मतलब फाइल। तो ये रहा वो थोड़ा थोड़ा वाला, तो इसको क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पर आया। Excuse me, boss. You have a text message. ये रहा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। तो इसको मैं सेट करता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये हो चुका है अब दोस्तों। आप सिम टू में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, सेट हो गया दोस्तों। ये देखो ऐसे करके दोस्तों, अब आईटेल फ़ोन पर अपना पसंद का रिंगटोन डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने फाइल में भी है पहले से, तो उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा ये ट्रिक दोस्तों, कमेंट पर ज़रूर बताना। एक बार और बता देता हूँ दोस्तों कैसे कैसे करना है आप लोगों को। सबसे पहले जाना है मोबाइल की सेटिंग में, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है और ऑडियो प्रोफाइल में
और उसके बाद यहाँ जनरल में टिप करके रखना है दोस्तों, छोड़ देना है। उसके बाद ये एडिट आ जाएगा, तो एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप जिस सिम में भी लगाना चाहते हैं वहाँ आप क्लिक करना है, जो भी सिम होगा आपका। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ ऐड रिंगटोन में करना है और अपना फाइल खुल जाएगा। यहाँ से वो गाना ले लेना है और सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। बस हो गया दोस्तों, ये इतना ही करना है आपको और आपका रिंगटोन जो है सेट हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाय।